दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि रावण दहन की परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? क्योंकि श्री राम ने तो रावण का वध किया था, उस दुष्ट राक्षस का अंतिम संस्कार तो विभीषण ने किया था। फिर हर साल हम रावण दहन क्यों करते हैं? तो इसका जवाब आपको बताने से पहले हम आपको वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में लिए चलते हैं। गता सुरभीम वेगस्तु नैरितेन्द्रो महाद्युतिः पापात स्यन्दनाद् भूमौ वृत्रो वज्रहतो यथा। जहां 107वें अध्याय में वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से रावण का वध हो गया, अर्थात वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन होकर वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरने के बाद खुद भगवान राम ने विभीषण जी को अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए भेजा था। मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममापेश यथा तव। श्री राम बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, इसलिए अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर विभीषण ने अपने बड़े भाई के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। लेकिन महाभारत ग्रंथ के वन पर्व के 290वें अध्याय में मार्कंडेय जी युधिष्ठिर से कहते हैं, मुक्त मात्रेण रामेण दूराकृष्टेन भारत सतेन राक्षसश्रेष्ठः सरथः साश्वसारथिः प्रजज्ज्वालं महाज्वाले नाग्निनाभिपरिप्लुतः। अर्थात श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींचकर छोड़े हुए बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ घोड़े और सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा मानो वह भयंकर लपटों वाली आग के लपेटे में आ गया हो। मार्कंडेय जी कहते हैं कि जैसे ही रावण को ब्रह्मास्त्र लगा उसका पूरा शरीर जल गया और उसके शरीर की राख तक नहीं बची। भ्रंशितः सर्वलोकेभ्यः सही ब्रह्मास्त्र तेजसा शरीर धातवो ह्यस्यं मांसं रुधिरमेव च नेशुर ब्रह्मास्त्र निर्दग्धा न च भस्माप्यदृश्यत। अर्थात ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर रावण संपूर्ण लोकों से भ्रष्ट हो गया, उसके शरीर के धातु मांस और खून भी ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नष्ट हो गए, उसकी राख तक दिखाई नहीं दी। महाभारत को पढ़ने से लगता है कि यह संभव है कि महाभारत के पहले रावण दहन की कोई परंपरा नहीं रही होगी। महाभारत के बारे में यही कहा जाता है कि जो कुछ भी इस भारत में पहले हुआ है उसका जिक्र महाभारत में जरूर हुआ है। तो एक बात तो तय है कि ना तो महाभारत के पहले और ना ही महाभारत के वक्त रावण दहन की कोई परंपरा थी। लेकिन हो सकता है कि बाद के काल में लोगों ने महाभारत के श्लोक के आधार पर रावण दहन की परंपरा की शुरुआत की हो। यहाँ एक सवाल और उठता है कि वाल्मीकि रामायण तो श्री राम के काल में ही लिखी गई, तो लोगों ने महाभारत के श्लोक को क्यों चुना और रावण दहन की परंपरा शुरू कर दी, जबकि प्राचीन काल के लोगों की समझ आज के लोगों से ज्यादा थी और वो धर्म ग्रंथों के अंदर छिपी हुई सच्चाई को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते थे। तो हम आपको बता दें कि हर कल्प में रामायण और महाभारत काल आते हैं, कल्प बदलते रहते हैं, लेकिन राम रावण युद्ध हर बार चलता रहता है। अब मार्कंडेय जी द्वारा बताया गया रावण दहन और वाल्मीकि जी द्वारा बताया गया रावण वध किस कल्प की कहानी है, इसका प्रमाण दे पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन इस बात को आसान बनाने के लिए हम आपको आनंद रामायण में लिखा एक किस्सा सुनाते हैं। आनंद रामायण के सारकांड के 9वें सर्ग में जब हनुमान जी माँ सीता को दी हुई अंगूठी और चूड़ामणि लेकर भगवान राम के पास वापस लौटने के लिए लंका से निकल जाते हैं तो रास्ते में उन्हें प्यास लगती है और वो एक मुनि के पास रुकते हैं। मुनि को अंगूठी और चूड़ामणि देकर वो पानी पीने चले जाते हैं, लेकिन तभी एक बंदर आकर उस अंगूठी और चूड़ामणि को मुनि के कमंडल में डाल देता है। हनुमान जी जैसे ही उस कमंडल को देखते हैं तो उन्हें उसमें हजारों मुद्रिकाएं और चूड़ामणि नजर आती हैं। तब हनुमान जी हैरान होकर मुनि से पूछते हैं कि इतनी अंगूठियों में से प्रभु राम की अंगूठी कौन सी है। यदा यदा वायुपुत्रः सीतां ताम राघवाज्ञया लंका गत्वा समानीता शुद्धि मुद्रास्तदा तदा
मदग्रे स्थापितास्ताश्च कपिभिश्च कमंडलौ। हनुमान जी के सवाल को सुनकर मुनि कहते हैं कि जब जब श्री राम की आज्ञा से हनुमान ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया है और अंगूठियां मेरे सामने रखी हैं, तब तब बंदरों ने उन्हें इसी कमंडल में डाला है। वे ही सब ये हैं। इसमें से तुम अपनी अंगूठी खोज लो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी का गर्व नष्ट हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि हर कल्प में राम होते हैं, सीता भी होती हैं और हनुमान भी। हर कल्प में रामायण भी लिखी जाती है और महाभारत भी, बस हर बार कहानी में थोड़ी तब्दीली आ जाती है। किसी कल्प में रावण का वध होता है तो किसी कल्प में रावण का दहन। ऐसे में ना तो श्री वाल्मीकि रामायण गलत है और ना ही महाभारत ग्रंथ। अब ये कल्प क्या होता है इसका पूरा विवरण हम आपको जल्द ही एक वीडियो के जरिए देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।